नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। आज दंगल में बात महंगाई पर निकली, लेकिन हम इस बात को करेंगे। आज बात देश में महंगाई पर निकली, लेकिन दूर तलक जाते जाते कहीं नहीं दिखी, और वो बात हिंदू और हिंदुत्ववादी की भेंट चढ़ गई। जयपुर में महंगाई हटाओ रैली में राहुल गांधी जरूर गरजे, लेकिन तेल महंगा, सब्जी महंगी, दूध महंगा पर एक दो लाइन ही बोला। बाकी समय खुद को हिंदू बताने में उन्होंने गवा दिया। अधिकतर समय हिंदू और हिंदुत्ववादी की परिभाषा समझाने में राहुल ने लगा दिया। गोडसे के द्वारा बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी भी उत्तर प्रदेश में लगातार जन्ना जन्ना राग के द्वारा समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये कि ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी को जयपुर की रैली में कौन असली हिंदू और कौन नकली हिंदू के राग को छेड़ना पड़ा? क्या जयपुर की रैली से राहुल गांधी को कोई संदेश वो उत्तर प्रदेश को भेजना चाहते थे? क्या खुद को बड़ा हिंदू बनाकर राहुल बीजेपी के सिद्धांत पर प्रहार करना चाहते हैं? वहीं जिन्ना वाले बयान का बवंडर खड़ा करके बीजेपी उत्तर प्रदेश में वोटरों को क्या संदेश देना चाह रही है? क्या इस बार का यूपी चुनाव भी विकास की जगह हिंदू मुसलमान पर लड़ा जा रहा है? ऐसे ही विभिन्न प्रश्नों पर हम बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कभी गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस आज महंगाई हटाओ के मुद्दे पर जयपुर में जुटी। जितनी चर्चा महंगाई पर नहीं हुई, जितने नारे महंगाई के खिलाफ नहीं लगे, उससे कहीं ज्यादा हिंदू और हिंदुत्ववादी का शोर सुनाई दिया, और इसकी अलग राहुल गांधी ने जगाई। मोदी हटाओ का नारा बुलंद कर दिया, हिंदू बनाओ हिंदुत्ववादी की बहस छेड़कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच के फर्क को भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने समझाया। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू है मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। अब ऐसे में समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि आखिर जिस रैली को महंगाई के खिलाफ बुलाई गई थी, उसमें हिंदू और हिंदुत्ववादी की चर्चा क्यों हुई? क्या वजह थी कि राहुल ने हिंदुत्ववादी का राग छेड़कर मोदी सरकार पर हमले किए? राजस्थान में चुनाव नहीं होने के बावजूद राहुल ने बीजेपी के बड़े नारे पर क्यों प्रहार किया? राहुल गांधी के लिए महंगाई के मुद्दे को कम करके हिंदू और हिंदुत्ववादी का राग क्यों छेड़ा? उत्तर प्रदेश चुनाव नजर में था और जयपुर की रैली थी, जयपुर का मंच था। राहुल गांधी महंगाई के मुद्दे पर बोलने से पहले हिंदुत्व के मुद्दे पर आए। उन्होंने कहा कि असली हिंदू मैं हूं, असली हिंदू आप हैं, वह नकली हिंदू हैं। हम गांधी के हिंदू हैं और वह गोडसे के हिंदुत्ववादी हैं। हम सच के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे, सच खोजते रहेंगे, और वह सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं, सत्ता पाना चाहते हैं। जाहिर है राजस्थान में राहुल गांधी यूपी को संदेश देना चाहते हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि सबसे सच्चे हिंदू वही हैं, जबकि बीजेपी वाले हिंदुत्ववादी हैं। लेकिन बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली है, वो भी कई दिनों से गन्ना और जिन्ना का सुर तान लगा रही है। यूपी के एटा में बीजेपी अध्यक्ष ने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में एक बार फिर जिन्ना के जरिए राज्य की सियासत के तापमान को बढ़ा दिया। तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम गन्ना की बात करते हैं, उनके मुंह से छिन्ना निकलता है।
सरदार पटेल लौह पुरुष जिसने 567 राज्यों को एकत्र करके ये भारत देश बनाया, उनके साथ मुकाबला करने के लिए कहा पटेल और उनके मुंह से पटेल का नाम नहीं निकलता, जिन्ना का जिन्न निकल जाता है। 2022 की लड़ाई कोई आम नहीं है। यूपी विधानसभा के जरिए ही 2024 लोकसभा की तकदीर लिखी जाएगी, ये सभी पार्टियां बखूबी समझती हैं। लिहाजा खुद को हिंदू साबित करने की होड़ में नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। चुनाव में तिलक चंदन लगाने से लेकर जनेऊ की भी चर्चा होती रही है। मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे जाने की तस्वीर भी हम सबने देखी है। यूपी में चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आएगी, नेताओं के सारे रंग दिखेंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राहुल जिस रैली में शामिल हुए उसमें महंगाई पीछे छूट गया और हिंदुत्ववादी की बहस फिर से केंद्र बिंदु में आ गई। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।